देखिए, तो कोई अप्रत्याशित नहीं है, इसकी तो भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी कि हमारे यहाँ सितंबर अक्टूबर आते आते करोड़ की संख्या जो है हमारे देश में पार होगी, तो इसलिए कोई अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, सरकारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसकी कलई खुल गई है। अब लोग बिहार में ही देख रहे हैं, एक आदमी भी बिहार सरकार के अस्पताल में दाखिल नहीं हुआ जिसका कोरोना पॉजिटिव जो है पाया गया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के परिवार के लोग भी जो एम्स खुला है पटना में, वहाँ जो है भर्ती हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो IGMS अस्पताल है, जिसको बहुत सुंदर, बहुत माने साधन सुविधा संपन्न बनाना चाहती है सरकार, उसका डायरेक्टर भी जो है जाके एम्स में भर्ती होता है जब पता लगा कि कोरोना पॉजिटिव है। तो ये कलई खुली है। कम से कम आगे का लोग ध्यान रखें कि हाँ साहब, हम जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको हम बेहतर बनाएं, हम ज्यादा खर्च करें स्वास्थ्य पर, क्योंकि स्वास्थ्य जो है उससे GDP घटता है, लोग बीमार पड़ेंगे उससे GDP का नुकसान होता है। अगर स्वस्थ समाज रहे, GDP में बढ़ोतरी होती है। तो उस दृष्टिकोण से भी स्वास्थ्य के सेवा में सरकार को खर्च अपना बढ़ाना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।